ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पीजीएस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज आप सभी को सबसे पहले तो यार आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप सभी को चले जाना ऐड फोटो में, गाइज यहाँ सेट करना आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे जो है मैंने गाइज मॉडल के पीछे शेडो पहले से बना रखी है, तो गाइज आप लोग जो है शेडो बना लेना यहाँ पे, ठीक है। शेडो बनाने के ऊपर मैंने एकदम कंप्लीट वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि आप शेडो किस तरीके से बना सकते हो बिल्कुल रियलिस्टिक। तो अभी आपको यहाँ पे जो है अपने मॉडल को कुछ स्टेप्स यहाँ पे लगा देना है, एंड इसमें कुछ एरिया है जिसको मेरे को इरेज करना पड़ेगा यहाँ पे, तो उनको मैं यहाँ पे ओपेसिटी हार्डनेस कम करके इरेज कर लेता हूँ। ध्यान बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। सो गाइस जितना हो जाने के बाद जो है आप लोगों को करना है, आप लोगों को अपने मॉडल को यहाँ पे डुप्लीकेट बनाना है। डुप्लीकेट बनाने के बाद आपको उसको सेम साइज में वैसे ही रख देना है, एंड उसके बाद चले जाना आपको यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन में। इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको कलर्स वाले ऑप्शन में जाना है, एंड यहाँ से जो आपको ब्लैक एंड व्हाइट लेना है, एंड इसका अमाउंट जो यहाँ पे जीरो कर देना है, एंड जीरो कर देने के बाद ऊपर से मर्ज कर देना है, एंड उसके बाद आपको एक नेगेटिव वाला यहाँ पे ले लेना है, एंड उसके बाद इसको भी मर्ज कर देना है। देन उसके बाद आपको जाना है कलराइज में जाने के बाद गाइस आपको एक बार टैप करना है, एंड इसको जो यहाँ पे आपको येलो कलर में ले जाना है, एंड उसके बाद आप सबको सिंपली यहाँ पे कर देना है डन, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको चले जाना है ऐसे इरेजर टूल में जाने के बाद आपको उसको इन्वर्ट कर देना है, ब्रश लेना है। ब्रश के लेने के बाद जो आप सभी को यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है रिम लाइट क्रिएट करनी है। इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को दोबारा एक बार ऐड फोटो में जाना है गाइस, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐड फोटो में चलते हैं, एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करेंगे हम विग्नेट का पीएनजी, एंड इसको ऐड करने के बाद जो आपसे को करना है गाइस इसको ऐड कैसे करना है, आप हमें फुल स्क्रीन करके इसको छोड़ देना है, एंड ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, एंड उसके बाद कर देना डन। इतना हो जाने के बाद आपको अपनी फोटो यहाँ पे सेव कर लेना है, एंड इसको लेकर चलना है आपको लाइट रूम ऐप में, ताकि गाइस इसको रिटच करके और भी अच्छा बना दे फोटो को। तो हम इसको लाइट रूम ऐप को ओपन करते हैं, एंड उसके बाद गाइस आपको चले जाना है लाइट वाला ऑप्शन में। आपको उसके यहाँ पे पहले कॉन्ट्रास्ट जो है इसको थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज कर देना है, हाईलाइट जो है इसको हल्का सा इंक्रीज कर देना है, जो शेडो है इसको यहाँ पे आपको हल्का सा यहाँ पे इंक्रीज कर देना है, एंड जो व्हाइट है इसको भी इंक्रीज कर देना है, जो ब्लैक है इसको भी इंक्रीज कर देना आपको, ठीक है। फिर उसके बाद चले जाना आपको कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ा देना है, फोटो का जो टेम्परेचर इसको थोड़ा कम कर देना है, चले जाना है कलर मिक्स में जाने के बाद आपको ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन आपको उसका माइनस करना है, जो ल्यूमिनस है उसको इंक्रीज कर देना है। फिर आपको चले जाना है येलो कलर में, आपको उसका जो ह्यू है प्लस कर देना है थोड़ा सा, जो सैचुरेशन है इसको भी प्लस कर देना है, एंड उसके बाद चले जाना आपको डार्क ब्लू में जाने के बाद अगर आप चाहो स्काई ब्लू कलर रखना तो स्काई ब्लू भी रख सकते हो, एंड अदरवाइज आप डार्क करना चाहते हो तो और भी डार्क कर सकते हो, ठीक है। इतना जाने के बाद आपको कर देना डन, एंड चले जाना आपको यहाँ से फिर नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज कर देनी है, फोटो में विग्नेट डाल देना है, एंड इसके नीचे आपको ग्रेन अमाउंट आपको उसको भी बढ़ा देना है। फिर उसके बाद चले जाना आपको नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में नोट डाल देना है, एंड कलर नोट भी बढ़ा देना है। तो फाइनली हमारी फोटो यहाँ पे एडिट हो चुकी है, तो गाइस चलिए मिलता हूँ सबसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।